हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इनके पिछले वीडियोस में 6 वीडियो मैंने बताए हैं आपको, बनाए हैं। उसमें मैंने आपको 6 वीडियो में काकरोच पढ़ाया है, जिसका कुछ पार्ट बाकी है, तो वो आज हम इसमें पार्ट 7 में कंप्लीट करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने काकरोच का एनाटॉमी आपको बताया है, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने कंप्लीट करा दिया था। अब हम इस वीडियो में इसका सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड वास्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। ब्लड वास्कुलर सिस्टम, तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, काकरोच जो है एक इंसेक्ट है, और इंसेक्ट मतलब आर्थ्रोपोड एनिमल है। आर्थ्रोपोड एनिमल्स में ब्लड वास्कुलर सिस्टम ओपन टाइप का होता है। देखिए, एनेलिडा में क्लोज टाइप का है, मोलस्का में और आर्थ्रोपोडा में ये ओपन टाइप है। मोलस्का में एक क्लास है सिर्फ सिफेलोपोडा, उसमें सिर्फ क्लोज है। बाकी ऊपर आएंगे आप गाइनोडोमेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, तो इनमें ज़्यादातर में क्लोज वास्कुलर सिस्टम है। तो आर्थ्रोपोड में, इंसेक्ट में ओपन है ब्लड वास्कुलर सिस्टम, और ओपन का मतलब है कि इनमें आर्टरीज और वेंस डेवलप्ड नहीं है। तो काकरोच में भी आर्टरीज और वेंस डेवलप नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, देखिए, इनका जो टिश्यू होता है, जितने भी सेल्स होते हैं उनमें भरा होता है ब्लड। जैसे हम लोगों में टिश्यूज में भरा होता है टिश्यू फ्लूइड, जिसको लिम्फ कहते हैं। इन लोगों में अलग से कोई लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड नहीं है, ब्लड ही पूरा भरा हुआ है, सारे सेल्स ब्लड में ही भीगे हुए हैं। इसीलिए उनका जो ब्लड है वो हीमोलिम्फ कहलाता है, और जो सिलोम है वो हीमोसील कहलाता है, क्योंकि इनमें अलग से कोई सिलोम है भी नहीं है, ठीक है। तो अगर हम देखें इनका ब्लड वास्कुलर सिस्टम कैसा है, तो थोड़ा ये एक पिक्चर देखिए आप। इनकी जो बॉडी कैविटी है उनको हम 3 पार्ट में बांटते हैं। एक ऊपर का पार्ट है, ठीक है, एक बीच वाला पार्ट है, और एक नीचे का पार्ट है। ये ऊपर का पार्ट, बीच वाला पार्ट, ये नीचे का पार्ट। तो जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल साइनस। ये वो ऊपर वाला जो पार्ट है पूरा, ये पेरिकार्डियल साइनस है। ये बीच वाला है, ये पेरिविसरल साइनस है, और ये नीचे वाला जो है ये पेरिन्यूरल साइनस है। तो 3 चेम्बर्स में डिवाइडेड है इनका बॉडी कैविटी, ठीक है। इनको डिवाइड करने के लिए यहाँ पर 2 डायफ्राम पाए जाते हैं। एक है यहाँ पर ये डॉर्सल डायफ्राम, ठीक है, और एक है ये वेंट्रल डायफ्राम। इसके कारण से 3 चेम्बर में बटा हुआ है, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला चेम्बर है, आप इसमें देखिए, इसके बीच में एक ऐसा वेशल टाइप का गया हुआ है, जो अलग अलग चेम्बर्स में बटा हुआ है। यहाँ पर 13 चेम्बर्स होते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये जो ट्यूब है ये डॉर्सल एओर्टा है, और काकरोच में यही जो है हार्ट का भी काम करता है, क्योंकि इसी में बीटिंग होती है, इसमें पल्सेशन होता है, ठीक है। न्यूरोजेनिक हार्ट है आप ये कह सकते हैं, क्योंकि मायोजेनिक हार्ट ये कॉर्डेट्स में होते हैं। और जैसा मैंने कहा कि इनका हार्ट जो है 13 चेम्बर्स में बटा हुआ है, अगर आप ये देखेंगे तो 13 चेम्बर्स आर देयर इन द हार्ट, ठीक है। और ये जो हार्ट है, जो चेम्बर्स हैं, वो फनल शेप्ड हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इनमें एक जो और विशेष बात है वो है ऑस्टिया। ऑस्टिया मतलब इनमें ये जो पोर्स हैं ये ऑस्टिया कहलाते हैं, जो आजू बाजू दोनों तरफ में लेटरल साइड में होते हैं पोर्स, ऑस्टिया, ठीक है। और ये जो डायफ्राम है इसके साथ लगा हुआ है, बॉडी वॉल के साथ लगा हुआ है ये एलरी मसल। एलरी मसल क्या है, ये जो है हार्ट को भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है और डायफ्राम को भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब होता यह है कि इनका जो ब्लड है ये पेरिविसरल साइनस से ऐसे बहता है, ठीक है। और जब बहता है तो ये इन्हीं से, ये डायफ्राम में जो पोर्स हैं इनसे होते हुए ये दोनों चेम्बर्स में, ऊपर वाला पेरिकार्डियल साइनस और नीचे वाला पेरिन्यूरल साइनस, इनमें ये एंटर करता है, ठीक है। और ये पीछे की ओर बहता हुआ ये से एंटर करते चला जाता है, और ये जो हार्ट है इसमें ये आगे की ओर बहता है, आगे की ओर फ्लो करता है, और ये हेड के पार्ट से फिर से पेरिविसरल साइनस में ये पहुंच जाता है। इन लोगों का जो ब्लड है, जिसको हमने हीमोलिम्फ कहा, वो कलरलेस है। क्यों कलरलेस है, क्योंकि ये ऑक्सीजन और CO2 को कैरी नहीं करता है, इसलिए इनमें हीमोग्लोबिन नहीं है। वो इसलिए क्योंकि इनके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक दूसरा टाइप का डेवलप्ड सिस्टम होता है, जिसको ट्रेकियल सिस्टम कहते हैं। अभी हम नेक्स्ट में उसी सिस्टम को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इनमें ऑक्सीजन कैरी करने के लिए ब्लड के पास हीमोग्लोबिन या हीमोसाइनिन नहीं है, इसलिए इनका ब्लड कलरलेस है ना। तो फिर ये ब्लड का काम क्या है, देखिए, ये ब्लड जो है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, हार्मोन्स हैं, है ना, उनको ये पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसलिए ये फ्लो करते रहता है।
और इनमें ब्लड में हीमोसाइट्स होते हैं और वो अमीबॉइड होते हैं जनरली। तो इनके ब्लड में जो बैक्टीरिया वायरस वगैरह जो एंटर करते रहते हैं पैथोजेंस, उनको ये फेगोसाइटोसिस द्वारा किल करता है, खा जाता है, खा करके डाइजेस्ट कर लेता है। तो इस तरह से इनका जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम है वो बना हुआ है। और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ पिक्चर है, तो इसमें आप देख सकते हैं यही है वो डॉर्सल एओर्टा जो 13 चैम्बर्स में बटा हुआ है, और ये एलरी मसल्स हैं जो इनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इनके ब्लड वास्कुलर सिस्टम को। तो इस तरह से इनका वास्कुलर सिस्टम सिंपल टाइप का बना हुआ है और ओपन टाइप का है। अब इसमें जो टेक्स्ट लिखा है इसको भी आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि पीएमटी में, नीट में जो है एनसीईआरटी के जितने भी सेंटेंस बने हुए हैं उन्हीं से क्वेश्चन आ रहा है ना, तो अपन इसको पढ़ लेते हैं। चलिए, ब्लड वास्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज ऑफ ओपन टाइप। ये मैंने अभी आपको बताया, ओपन का मतलब है इनमें आर्टरीज और वेंस नहीं है। ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड एंड ओपन इन द स्पेस दैट इज हीमोसील। तो हीमोसील मैंने बताया कि बॉडी कैविटी जितने भी हैं, तीन बॉडी कैविटी मैंने आपको बताया, वो हीमोसील कहलाते हैं क्योंकि इन्हीं में ब्लड भरा हुआ है। विसरल ऑर्गन्स लोकेटेड इन द हीमोसील आर बाथ्ड इन द ब्लड या हीमोलिम्फ। और ये भी मैंने आपको बताया कि जितने भी सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, वो सभी ब्लड में ही डायरेक्टली भीगे हुए हैं। हमारे शरीर में जो टिश्यूज हैं उनमें भरा हुआ है टिश्यू फ्लूइड, यानी सेल्स टिश्यू फ्लूइड में डूबे हुए हैं, और उसके बाजू में ब्लड वेसल रहता है। तो ब्लड वेसल का जो ब्लड है उससे टिश्यू फ्लूइड के बीच में एक्सचेंज होता है, दोनों के बीच में एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज और न्यूट्रिएंट एक्सचेंज, और फिर वो टिश्यू फ्लूइड से सेल्स में एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो वहाँ पर मिडिल मैन की तरह काम करता है टिश्यू फ्लूइड, लेकिन यहाँ पर कोई मिडिल मैन नहीं है, सीधे ब्लड के कॉन्टेक्ट में है सेल्स। द हीमोलिम्फ इज कंपोज ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट्स। अभी मैंने आपको बताया कि इनका जो ब्लड है कलरलेस है क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन नहीं है, और लेकिन हीमोसाइट्स हैं मतलब सेल्स हैं, और ये सेल्स जनरली फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए। और डॉर्सल एओर्टा जैसा मैंने कहा हार्ट है उसका कॉकरोच का। हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट्स ऑफ इलॉन्गेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइंग अलोंग मिड डॉर्सल लाइन ऑफ द थोरेक्स एंड एब्डोमेन। तो ये मैंने पोजीशन आपको बताया कि पीछे पीठ की तरफ एक डॉर्सल एओर्टा है, वही हार्ट है। इट इज डिफ्रेंशिएटेड इंटू फनल शेप्ड चैम्बर्स विथ ऑस्टिया ऑन अदर साइड्स। तो ये भी मैंने आपको बताया कि उनमें छोटे छोटे पोर्स हैं दोनों साइड में, एक एक चैम्बर में, और उन्हीं पोर्स के माध्यम से ब्लड जो है एंटर करता है हार्ट में और आगे की ओर बहता है। ठीक है, ब्लड फ्रॉम साइनसेस एंटर हार्ट थ्रू ऑस्टिया एंड इज पम्प्ड एंटीरियरली टू साइनसेस अगेन। तो सामने की ओर से पम्प करके पेरिविसल साइनस में जाता है, वहाँ से पेरिकार्डियल और पेरिन्यूरल साइनस में जाता है, और वहाँ से वो पेरिकार्डियल साइनस से वो एंटर कर जाता है हार्ट में। ठीक है, और आगे की ओर फ्लो करता है। तो बहुत सिंपल टाइप का इसका सर्कुलेटरी सिस्टम बना हुआ है, ये मैंने आपको बताया। ये पिक्चर आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ये मैंने बाहर से लिया है, तो ये आप देख लीजिए इसको कैसा बना हुआ है। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम देखते हैं। देखिए, जैसा मैंने अभी बताया कि कॉकरोच में ब्लड का काम नहीं है ऑक्सीजन को या CO2 को कैरी करना, हम लोगों में ब्लड ये काम करता है, हीमोग्लोबिन ये काम करता है, और टिश्यूज़ में से CO2 लेकर के ब्लड जो है लंग में जाता है, लंग से O2 लेकर के टिश्यूज़ तक जाता है। तो ब्लड का काम है हमारे में ऑक्सीजन CO2 को कैरी करना, कि इंसेक्ट में ऐसा नहीं होता है। इंसेक्ट में एक अलग से सिस्टम डेवलप्ड होता है, उसको हम कहते हैं ट्रेकियल सिस्टम। तो ट्रेकियल सिस्टम किस तरह से बना हुआ है आप देखिए, इनकी बॉडी के साइड में, लेटरल साइड में पोर्स होते हैं छोटे छोटे, ये देखिए ये पोर्स हैं, इन पोर्स को हम कहते हैं स्पाइरेकल्स। ठीक है, इन स्पाइरेकल्स का जो नंबर है कॉकरोच में होता है 10 पेयर्स। ठीक है, वैसे सारे इंसेक्ट्स में इसी तरह का स्ट्रक्चर जो होता है ट्रेकियल सिस्टम, तो उनमें इनका जो पेयरिंग है मतलब संख्या है, नंबर है, वो 8 पेयर्स से लेके 12 पेयर्स तक हो सकते हैं अलग अलग इंसेक्ट में। और जैसा मैंने कहा कॉकरोच में इसका नंबर है 10 पेयर्स। ठीक है, और ये जो स्पाइरेकल्स हैं यहाँ से जुड़े हुए ट्यूब्स हैं, देखिए ये ट्यूब्स हैं, और ये ट्यूब जो है पूरे बॉडी में बहुत फाइन ब्रांचिंग करते हैं, इनको हम ट्रेकी कहते हैं, और एकदम जो फाइनेस्ट ब्रांच रहता है उसे हम ट्रेकियोल कहते हैं। और ये जो ट्रेकियोल है एक एक टिश्यू तक, एक एक सेल्स तक पहुँचता है, और ये जितने भी ट्यूब्स हैं ये कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं, ये ऐसे कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन करते हैं, तो हवा जो है अंदर बाहर इसी के थ्रू होता है, इन स्पाइरेकल्स के थ्रू।
और ये जो स्पाइरिकल्स हैं, जो छिद्र हैं, वो उनमें इंस्पिक्टर मसल होते हैं। इंस्पिक्टर मतलब ऐसे बंद करना, खोलना, इस तरह का काम करते हैं, जैसे हमारे एनस में होता है, ऐसे खुल जाता है, बंद होता है ना, उस तरह का होता है ये। और इसके द्वारा ये पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो करता है, ऑक्सीजन फ्लो करता है और CO2 फ्लो करता है, ठीक है। CO2 को लेके जाता है, ऑक्सीजन को लेके अंदर आता है। तो इस तरह से ये ट्रेकियल सिस्टम इन लोगों में बना हुआ है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो चलिए इसको भी थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ ट्रेकी दैट ओपन थ्रू 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पिरिकल्स प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी। जैसा मैंने कहा कि 10 जोड़े हैं छिद्र इनके। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ स्पिरिकल्स, तो यहाँ पर 10, 20, 30, 40 ऐसा दिया रहता है। तो आप ध्यान रखेंगे, नंबर आप करेंगे 20, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है 10 पेयर्स, ठीक है। तो 20 होते हैं छिद्र, ठीक है। थीन ब्रांचिंग ट्यूब्स ट्रेकियल ट्यूब्स सब डिवाइडेड इंटू ट्रेकियोल्स कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू द पार्ट्स। तो स्पिरिकल से हवा अंदर जाती है, ऑक्सीजन हवा के साथ, और पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और वहां से CO2 कलेक्ट होकर फिर से बाहर चली जाती है। द ओपनिंग ऑफ द स्पिरिकल इज रेगुलेटेड बाय द स्फिंक्टर्स। तो अभी मैंने बताया स्फिंक्टर के द्वारा खुलते बंद होते हैं इस तरह से। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस एट द ट्रेक्यूल्स बाय डिफ्यूजन, ठीक है। तो वहां पर भी डिफ्यूजन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन ट्रेकी में ज्यादा है तो टिश्यू की तरफ चला जाता है, टिश्यू में CO2 ज्यादा है तो ट्रेकी या ट्रेक्यूल्स की तरफ चला जाता है। तो एग्जैक्टली वहां पर डिफ्यूजन के द्वारा ही गैसेस एक्सचेंज होता है टिश्यू के साथ, ठीक है। तो ये तो हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये मैंने आपको दिखाया। अब है एक्सक्रीशन। देखिए, मैंने आपको जब इसका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था पिछले वीडियो में, तो मैंने बताया था कि जो मिडगट है उसका एंडिंग जहां पर है और जहां से हाइंड गट चालू होता है, वहां पर ऐसे ट्यूब्स जैसे कि फिंगर्स होते हैं उस तरह के, यहाँ पर 100 से 150 ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन्हें हम कहते हैं मेलपीगियन ट्यूबुल्स। इनकी नंबर जैसा मैंने बताया 100 to 150 होता है। तो ये जो मेलपीगियन ट्यूबुल्स हैं, यहाँ पर लिखा है, देख सकते हैं मेलपीगियन ट्यूबुल्स, ये इनके ब्लड में डूबे होते हैं, हीमोलिम्फ में, और वहाँ से एक्सक्रीटरी मटेरियल को, नाइट्रोजिनस वेस्ट को एब्जॉर्ब करते हैं। देखिए, नाइट्रोजिनस वेस्ट मेनली होता है अमोनिया, लेकिन अमोनिया एक्वेटिक एनिमल्स जितने भी हैं उनमें तो सीधे एक्सक्रीट हो जाता है, क्योंकि वो पानी में डिफ्यूज हो जाता है, तो एक्वेटिक एनिमल को अमोनिया एक्सक्रीट करने में आसानी होती है। लेकिन जो लैंड एनिमल्स हैं, ये भी लैंड एनिमल है, हम लोग भी लैंड एनिमल हैं, उनमें चूँकि पानी नहीं है, पानी बाहर में नहीं है, इसलिए हम अमोनिया को डिफ्यूज नहीं कर सकते, तो हम अमोनिया को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करते हैं, ये हमारे लिवर में होता है ऑर्निथिन साइकिल, मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ाया है, आप देख लीजिएगा। तो ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा हम अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करते हैं, उसको ब्लड में ले जाते हैं, किडनी उनको छानता है ब्लड से और यूरिन में बाहर निकाल देता है। तो हम लोग यूरियोटेलिक हैं, फ्रॉग भी यूरियोटेलिक है, लेकिन इंसेक्ट हैं, बर्ड्स हैं और रेप्टाइल्स हैं, ये तीनों यूरिकोटेलिक हैं। यूरिकोटेलिक का मतलब है ये लोग अमोनिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं और यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। देखिए, हम लोग जो यूरिया बाहर करते हैं वो अमोनिया से लेस टॉक्सिक है, लेकिन यूरिक एसिड लिस्ट टॉक्सिक है, सबसे कम जहरीला यूरिक एसिड है, इसलिए यूरिक एसिड ज़्यादा अच्छा है निकालने के लिए। दूसरा बेनिफिट ये है कि जब हम यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं तो वो वाटर सॉल्युबल है, पानी में घुल के बाहर जाता है, तो हमारे में वाटर का वेस्टेज बहुत ज़्यादा है यूरिन के थ्रू। लेकिन अगर आप यूरिक एसिड की बात करते हैं तो यूरिक एसिड चूंकि सेमी सॉलिड के फॉर्म में बाहर निकलता है और वो पानी में ज़्यादा नहीं घुलता है, इसलिए उसको सॉलिड सेमी सॉलिड के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, तो ये वाटर कंजर्वेशन का एक बहुत अच्छा मेथड है, इनमें पानी का वेस्टेज नहीं होता है, तो एक बड़ा बेनिफिट है इनका। तो इनका जो ये जो मेलपीगियन ट्यूबुल है इस तरह से बना होता है, ये मेलपीगियन ट्यूबुल है, ठीक है, ये ऐसा, और ये ट्यूब के द्वारा जुड़ा हुआ है, इस ट्यूब से ये बाहर निकालेगा। ये सारे ट्यूब जो हैं एक में जाकर खुलते हैं आपके हाइंड गट में, और फीकस के साथ इनका यूरिन बाहर चला जाता है। तो इनका जो ये मेलपीगियन ट्यूबुल का जो पार्ट है, दो पार्ट में हम बांटते हैं, आधे पार्ट को हम ग्लैंडुलर पार्ट कहते हैं, ठीक है, ग्लैंडुलर पार्ट, क्योंकि ये क्या करता, अभी बता रहा हूँ मैं आपको। और दूसरा जो आधा पार्ट है वो सीलिएटेड पार्ट है।
तो ये ब्लड से यूरिक एसिड को एब्जॉर्ब करता है, एक्चुअली ये नाइट्रोजनस वेस्ट को एब्जॉर्ब करता है, यूरिक एसिड में बदल करके उसको एक्सक्रीट करेगा। तो पोटेशियम यूरेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, फिर पोटेशियम को और वाटर को वापस ये ब्लड में सिक्रीट कर देता है, इसलिए इस पार्ट को सिक्रेटरी पार्ट या ग्लैंडुलर पार्ट कहते हैं, और केवल यूरिक एसिड को ये भेज देता है हाइंडगट में और ये बाहर निकाल देता है। तो इस तरह से इन लोगों में वाटर का कंजर्वेशन बहुत अच्छे से हो जाता है और ये यूरिकोटेलिक एनिमल है। तो क्या लिखा है देख सकते हैं, एक्सक्रीशन इज परफॉर्म्ड बाय मेलपीगियन टिब्यूल्स, ईच टिब्यूल इज लाइंड बाय ग्लैंडुलर एंड सीलेटेड सेल्स। तो ग्लैंडुलर सेल क्या करेगा, ये पानी को और पोटेशियम को वापस ब्लड में भेज देता है, वापस ब्लड में सिक्रीट कर देता है। दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड कन्वर्ट देम इनटू यूरिक एसिड व्हिच इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द हाइंडगट। अभी मैंने आपको बताया कि ब्लड से एब्जॉर्ब करके वो हाइंडगट में भेज देता है यूरिक एसिड को, और इसलिए इनको हम यूरिकोटेलिक कहते हैं। दिस इंसेक्ट इज कॉल्ड यूरिकोटेलिक। तो लगभग सभी इंसेक्ट यूरिकोटेलिक हैं। इन एडिशन द फैट बॉडी नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोस ग्लैंड आल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन। तो ये तीन बातें आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि फैट बॉडी और ये आपका नेफ्रोसाइट और यूरिकोस ग्लैंड, ये भी इनको एक्सक्रीशन में मदद करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मेलपीगियन टिब्यूल इन लोगों में एक्सक्रीटरी सिस्टम है और यूरिकोटेलिक है, ये यूरिक एसिड को बाहर निकालते हैं और फैट बॉडी नेफ्रोसाइट और यूरिकोस ग्लैंड में मदद करते हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है कम से कम। अब अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें काकरोच का, तो ये देखिए नर्वस सिस्टम, मैं आपको दिखाता हूँ इसका काकरोच का किस तरह से बना हुआ है। ये नर्वस सिस्टम है देखिए, तो इनके नर्वस सिस्टम में क्या है देखिए, इनका हेड है ना, हेड में एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर होता है ब्रेन जैसा, ठीक है, और बाकी पूरा हिस्सा इनका थोरेक्स और एब्डोमेन में होता है। देखिए तो चूंकि इनके नर्वस सिस्टम का बहुत छोटा पार्ट हेड में है, इसलिए इनकी मुंडी काट देने से, हेड काट देने से भी ये एक घंटे से लेकर एक हफ्ते तक जीवित रह सकता है ये जो एनिमल है। तो इनके हेड के अंदर क्या है देखिए, एक ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर है, तो ब्रेन इनका तीन प्रकार के तीन गैंग्लियॉन से बना होता है, थ्री गैंग्लिया, ठीक है। दो होते हैं यहाँ पर सुप्राइसोफेजियल और एक होता है सबइसोफेजियल। ये तीन गैंग्लियॉन यहाँ पर होते हैं ब्रेन के रूप में, और दो गैंग्लिया को आपस में जोड़ता है यहाँ पर कमीशन, दोनों सुप्राइसोफेजियल को, और सुप्राइसोफेजियल से सबइसोफेजियल को जोड़ता है कनेक्टिव। तो इस तरह से एक ब्रेन नर्व रिंग यहाँ पर बन जाता है, और इससे जो है न्यूरॉन्स जो है एंटीना है ना, और आपका आईज है, इनके लिए यहाँ से नर्व निकल करके पहुँचते हैं। उसके बाद देखिए ब्रेन से निकलता है डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कार्ड। थोड़ा सा ध्यान देंगे आप मैं क्या बता रहा हूँ, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट, इनके बारे में मैंने आपको अर्थफॉर्म पढ़ाते समय बताया है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ आपको, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में नर्व कार्ड में क्या क्या डिफरेंस है। देखिए हम लोग वर्टिब्रेट हैं, हमारा नर्व कार्ड जिसको हम स्पाइनल कार्ड कहते हैं, ये पीछे यानी डॉर्सल साइड में है, सिंगल है और हालो है, डॉर्सल सिंगल हालो हम लोगों का है। इन लोगों में वेंट्रल पेयर्ड और सॉलिड होता है, ठीक है। डॉर्सल हम लोगों में, इन लोगों में वेंट्रल, हम लोगों में एक है, इन लोगों के पास दो है, हम लोगों का हालो है, इन लोगों का सॉलिड है, ठीक है। तो ये अंतर है इनका नर्व कार्ड में और हमारे में, ठीक है। तो ये नर्व कार्ड जो है पेयर्ड नर्व कार्ड निकला हुआ है, आप देख सकते हैं ब्रेन से, ठीक है। अब इन नर्व कार्ड्स के साथ जुड़े होते हैं गैंग्लिया। तो इन लोगों में कौन कौन से गैंग्लिया है देखिए, इन लोगों में तीन गैंग्लिया हैं जो इनके थोरेक्स पार्ट पे है, ठीक है, थोरेक्स पार्ट पे तीन गैंग्लिया हैं, और ये छह गैंग्लिया जो हैं इनके एब्डोमिन पार्ट पे है। थ्री गैंग्लिया प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स, तीनों में एक एक गैंग्लिया है, उसे हम कहते हैं थोरेसिक गैंग्लिया। और सिक्स गैंग्लिया ये पाए जाते हैं एब्डोमिन में, जिनको हम एब्डोमिनल गैंग्लिया कहते हैं। आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि इनके थोरेक्स में तीनों पार्ट में प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, इनसे जुड़े हुए एक एक पेयर पैर हैं इनके, है इनके लेग्स हैं, ठीक है ना। तो हर लेग पेयर को इनमें से एक एक न्यूरॉन जाएगा, ठीक है, जो जो तीन गैंग्लिया हैं उनमें से तीनों पैरों के लिए, तीनों जोड़े पैरों के लिए एक एक न्यूरॉन निकलेंगे। साथ में मैंने आपको बताया था कि मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स से जुड़े हुए दो पेयर विंग्स होते हैं, है ना, तो उन विंग्स के लिए भी न्यूरॉन्स जाएंगे। और फिर एब्डोमेन में आएंगे, तो एब्डोमेन से जुड़े हुए जितने भी ऑर्गन हैं अंदर में, विसरल ऑर्गन है,
उन सभी के लिए न्यूरॉन्स की सप्लाई ये करता है। तो अगर फिर से बता दे रहा हूँ, इनके हेड में एक नर्व रिंग है, ब्रेन है, जो दो सुप्राइसोफेजियल और एक सबइसोफेजियल से बना हुआ है गैंग्लिया से, और इनको जोड़ने के लिए कमीशर और कनेक्टिव है, और फिर ये डबल वेंट्रल नर्व कार्ड है जो सॉलिड है, और तीन गैंग्लिया थोरेक्स में और छह गैंग्लिया एब्डोमेन पार्ट में है। ठीक है, तो अब पढ़ लेते हैं इनमें क्या लिखा है। ठीक है, द नर्वस सिस्टम ऑफ काक्रोच इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, पूरे शरीर में फैला होता है, सभी में नर्वस सिस्टम का यही स्थिति है ना। द हेड होल्ड्स ए बिट ऑफ नर्वस सिस्टम व्हाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था कि हेड में छोटा पार्ट है, बाकी पूरे बॉडी में है, इसलिए हेड को काट सकते हैं अपन। सो नाउ यू अंडरस्टैंड दैट इफ द हेड ऑफ ए कॉकरोच इज कट ऑफ, इट विल स्टील लाइफ फॉर एज लॉन्ग एज वन वीक, एक हफ्ते तक भी जीवित रह सकता है हेड को काट देने से। इन द हेड रीजन द ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया, ठीक है, व्हिच सप्लाइज नर्व्स टू एंटीना एंड कंपाउंड आई। देखिए यहां पर सिर्फ सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया का नाम लिखा है, जबकि एक और गैंग्लिया होता है वो सब इसोफेजियल होता है, तो तीन गैंग्लिया है हेड में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ दो सुपर इसोफेजियल लिखा है, ये भी दो होता है, यहाँ पर लिखा भी नहीं है कि दो है करके। ठीक है, तो वहाँ से जो नर्व निकलते हैं वो एंटीना के लिए और कंपाउंड आई के लिए अपने न्यूरॉन्स देते हैं। ठीक है, इन कॉकरोच द सेंस ऑर्गन्स आर एंटीना, आई, मैक्सिलरी पल्प, लेबियल पल्प एंड एनल सर्काई। देखिए ये जितने भी हैं, देखिए एंटीना तो आसपास के जितने भी चीज़ें हैं उनको सेंस करते रहता है ना, चाहे वो उनका फूड मटेरियल है या उनका एनिमी है ना, इनको रिसीव करता है। आईज देखने का काम करता है। मैक्सिलरी पल्प, लेबियल पल्प, ये फूड को टेस्ट करने के लिए हैं। एनल सर्काई क्या करता है, ये पीछे रहता है, देखा आपने, और जमीन से छू के रखता है ऐसे। ठीक है, और ज़मीन से आने वाला जो वाइब्रेशन है, मान लो आसपास कोई आ रहा है जा रहा है, तो उसके वाइब्रेशन को वो रिसीव करता है, तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ये और तुरंत इनको पता चल जाता है। द कंपाउंड आईज आर सिचुएटेड एट द डॉर्सल सरफेस ऑफ द हेड। देखिए डॉर्सल साइड में आईज है ना, और इनका जो आई है वो कंपाउंड आई है। देखिए हम लोगों में जो आईज हैं वो सिंपल आई हैं, इन लोगों का कंपाउंड आई है। कंपाउंड आई का मतलब है कि ऐसे रॉड शेप्ड जो हैं वो वहाँ पर स्ट्रक्चर्स हैं, यूनिट्स हैं, जिनको हम कहते हैं ओमेटीडिया, एक को हम कहेंगे ओमेटीडियम। तो ऐसे 2000 ओमेटीडिया का बना हुआ आँख है इसका, और हर ओमेटीडिया ना किसी भी ऑब्जेक्ट के अलग अलग हिस्से को देखता है। ठीक है, तो बहुत सारे इमेजेस उनमें बन जाएंगे आँखों में। ईच आई कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2000 हेक्सागोनल ओमेटीडिया, सिंगल इज कॉल्ड ओमेटीडियम। विद द हेल्प ऑफ सेवरल ओमेटीडिया ए कॉकरोच कैन रिसीव सेवरल इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इनके आँखों में अलग अलग हिस्से में, मतलब जैसे कोई जिस ऑब्जेक्ट को देख रहा है उनके अलग अलग हिस्से को अलग अलग ओमेटीडिया देखता है। दिस काइंड ऑफ विजन इज नोन एज मोज़ेक विजन। ठीक है, मोज़ेक विजन है इनका, धब्बेदार होता है। देखिए इनका जो विजन है इज मोर सेंसिटिव बट लेस रिजोल्यूशन, मतलब ये देख तो सकता है, क्लियर कट देख सकता है, सेंसिटिविटी है, लेकिन रिजोल्यूशन का क्या मतलब है। देखिए रिजोल्यूशन का मतलब है कि अगर हम दो डॉट्स लगा दें तो कितने पास पास के डॉट्स को ये क्लियर कट अलग अलग देख सकता है, वो रिजोल्यूशन होता है। हम लोग का रिजोल्यूशन ज़्यादा है, हम ज़्यादा पास पास के डॉट्स को देख सकते हैं क्लियर कट, लेकिन ये उतने पास के डॉट्स को अलग अलग नहीं देख सकता है, ये रिजोल्यूशन की कमी है। बीइंग कॉमन ड्यूरिंग नाइट कॉल्ड नॉक्टर्नल विजन। तो ये रात में ज़्यादातर घूमते हैं, इसलिए नाइट विजन इनका ज़्यादा डेवलप्ड है, और ये आप देख सकते हैं नर्वस सिस्टम है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। देखिए काकरोच एक यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, मतलब इनमें मेल फीमेल अलग अलग है, और इसीलिए इनको हम कहते हैं डायोसियस। ध्यान रखिए मैंने बार बार बताया है आपको, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं, तो यूनिसेक्सुअल का मतलब है डायोसियस और बाईसेक्सुअल का मतलब है मोनोसियस। देखिए इसका मतलब आप समझ लीजिए, यूनिसेक्सुअल है मतलब डिपेंड अपॉन टू, दो पे डिपेंड करते हैं, जैसे हम लोग हैं दो पे डिपेंड करते हैं, तो डिपेंड अपॉन टू इज कॉल्ड डायोसियस। और जो बाईसेक्सुअल है दे आर डिपेंडेंट अपॉन वन, सो कॉल्ड मोनोसियस। जैसे कि अर्थवर्म है बाईसेक्सुअल है ना, पाइसम से टाइवर्म है यानी कि पी प्लांट, वो भी बाईसेक्सुअल है, तो इनको हम मोनोसियस कहेंगे, हम लोग डायोसियस हैं। आप ध्यान रखेंगे वी आर डायोसियस, तो अब आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा।
दूसरी बात यह है कि काकरोच में अगर आप ऊपर से सिंपली देखेंगे तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म बहुत क्लियर कट नहीं दिखेगा। थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो मेल का जो विंग है, हाइंड विंग, वो उसके एब्डोमेन से भी थोड़ा लंबा होता है, जबकि फीमेल का थोड़ा सा छोटा होता है। ये एक पहचान है। दूसरा ये है कि मेल के पास एक एनल स्टाइल और होता है। देखिए, एनल सरकाई तो दोनों में होते हैं, जैसे कि ये एब्डोमेन का लास्ट पार्ट है तो ये एनल सरकाई तो दोनों में है, लेकिन मेल के पास एनल स्टाइल और है ऐसा। तो ये एनल स्टाइल फीमेल के पास नहीं है। एनल स्टाइल क्या करता है, जब फीमेल के साथ कॉपुलेट करता है तो फीमेल को अटैच करके रखने में मदद करता है एनल स्टाइल। ये सिर्फ मेल के पास है, ठीक है। तो अब देखते हैं इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा बना हुआ है। तो देखिए, ये मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो सबसे पहले मैं आपको पार्ट्स गिना देता हूँ, फिर उनके साथ हम उनके फंक्शन भी हम पढ़ेंगे। तो देखिए, इनका ये टेस्टीज है, ये एक पेयर टेस्टीज है जो कि ट्यूबुलर है और थोड़ा सा लोब्यूलेटेड भी है। आप देख सकते हैं, एक लोब ये दिख रहा है, एक लोब ये दिख रहा है, एक लोब ये दिख रहा है, तो ट्राई लोब्ड आपको टेस्टीज इसमें दिखाई देगा, है ना। और टेस्टीज से निकल करके आगे बढ़ा हुआ आपको वास डिफरेंस बहुत क्लियर कट दिखेगा। वास डिफरेंस मतलब शुक्र नली का, है ना। और ये वास डिफरेंस जाके खुलता है सेमिनल वेसिकल में। देखिए, ये सेमिनल वेसिकल है जो कि यहाँ पर मशरूम ग्लैंड जैसा बना हुआ है, मशरूम जैसा बना हुआ है, तो मशरूम ग्लैंड भी कहा जाता है इसको। तो इनके साथ देखिए सेमिनल वेसिकल्स कैसे हैं। तो सेमिनल वेसिकल ऐसे छोटे छोटे ऐसे गुब्बारे जैसे, शैक जैसे स्ट्रक्चर्स यहाँ पर लगे हुए हैं, सारे जो हैं सेमिनल वेसिकल्स हैं। तो होता ये है कि वास डिफरेंस टेस्टिस से होते हुए जो स्पर्म आते हैं वो इन सेमिनल वेसिकल्स के सैक्स में इकट्ठा होने लगते हैं, स्टोर होने लगते हैं। और एक सैक के अंदर, एक सेमिनल वेसिकल के अंदर जितने भी स्पर्म होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं और एक हो जाते हैं, चिपक के एक बंडल बनाते हैं। उस बंडल को हम कहते हैं स्पर्मेटोफोर। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, स्पर्म्स आते हैं सेमिनल वेसिकल में इकट्ठे होते हैं, तो एक सेमिनल वेसिकल के अंदर जितने भी स्पर्म हैं वो आपस में चिपक करके बनाते हैं स्पर्मेटोफोर, और वही स्पर्मेटोफोर फीमेल में जाके डिलीवर होता है, ठीक है। इसके साथ जुड़ा हुआ एक फैलिक ग्लैंड है, आप देख सकते हैं फैलिक ग्लैंड, ठीक है। फैलिक ग्लैंड से निकला हुआ ट्यूब अलग से यहाँ खुल रहा है और सेमिनल वेसिकल से निकले हुए ट्यूब अलग से खुल रहा है। तो ये जो ट्यूब है जो सेमिनल वेसिकल से आया है, इसे हम कहते हैं इजेकुलेटरी डक्ट, स्खलन नलिका, क्योंकि यहीं से स्पर्म जो है स्पर्मेटोफोर के फॉर्म में नीचे मेल गोनोपोर में, मेल का जो ओपनिंग है उसमें जाके खुलता है, और फैलिक ग्लैंड से भी एक ट्यूब आके यहीं पर खुलता है। तो ये फैलिक ग्लैंड क्या करता है कि जो स्पर्मेटोफोर है उसके ऊपर एक कवरिंग बना देता है, एक आवरण बना देता है, ठीक है। तो उससे वो स्पर्मेटोफोर सेफ हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जैसा मैंने कहा था, एक एनल सर्कस तो होता ही है एक पेयर, ये एनल स्टाइल या कॉडल स्टाइल भी यहाँ पर होता है मेल में, ये सिर्फ मेल में मिलेगा, ध्यान रखिएगा। कुछ देर पहले मैंने बताया था एनल स्टाइल वही है, कॉडल स्टाइल या एनल स्टाइल, ये फीमेल को अटैच करके खींच के रखने में, चिपका के रखने में मदद करता है। इसके साथ देखिए यहाँ पर एक स्यूडो पेनिस है, ये स्यूडो पेनिस, और एक है टिटिलेटर, ठीक है। तो ये दोनों जो है एक्सेसरी ऑर्गन है। जब फीमेल के साथ ये कॉपुलेट करता है तो ये फीमेल को अटैच करके उसके फीमेल गोनोपोर को ऐसे खोलने में मदद करते हैं, टिटिलेटर और स्यूडोपोनिस। इससे क्या है कि मेल जेनाइटल पोर से फीमेल जेनाइटल पोर में स्पर्मेटोफोर्स ट्रांसफर हो जाते हैं। देखिए, इनके पास कोई पेनिस जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, ये स्यूडोपेनिस, ध्यान रखेंगे। हमारे में पेनिस होता है जो वेजाइना के अंदर जाकर के स्पर्म को रिलीज करता है, लेकिन इन लोगों के पास पेनिस नहीं है, स्यूडोपेनिस है और टिटिलेटर है जो इनके मदद करता है। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ पर देखिए फेलोमियर्स लिखे हुए हैं, लेफ्ट फेलोमियर, राइट फेलोमियर और वेंट्रल फेलोमियर। ये फेलोमियर्स क्या है देखिए, ये काइटिन के बने हुए प्लेट्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। और ये आपस में मिल करके मेल जेनाइटल पोर को कवर करते हैं, मेल जेनाइटल पोर को घेरते हैं। इनको कंबाइंडली हम कहते हैं गोनेपोफाइसिस, गोनेपोफाइसिस, ठीक है। गोनेपोफाइसिस ये क्या है,
ये मेल जेनाइटल पोर को चारों तरफ से घेर के रखता है, उसको कवर करके रखता है, इसलिए एक पाउच जैसे स्ट्रक्चर वहां पर बन जाता है जिसको जेनाइटल पाउच कहते हैं। और ये फेलोमियर्स का बना हुआ है, लेफ्ट फेलोमियर, राइट फेलोमियर और वेंट्रल फेलोमियर्स इनका बना हुआ है, जो कि काइटिनस प्लेट्स होते हैं और उन्हीं से बना हुआ है गोनेपोफाइसिस, और वो मेल जेनाइटल पोर को कवर करता है। तो एक बार फिर से मैं इस स्ट्रक्चर को रिवाइज करा देता हूँ। ये टेस्टीज है, इससे निकले हुए वास डिफरेंस है जो सेमिनल वेसिकल में जाते हैं, सेमिनल वेसिकल से इजेकुलेटरी डक्ट और फेलोमियर से फेलोमियर डक्ट। तो इजेकुलेटरी डक्ट से स्पर्मेटोफोर आते हैं, और स्पर्मेटोफोर क्या है, एक सेमिनल वेसिकल के अंदर के सारे स्पर्म फ्यूज होकर के, जुड़ करके, चिपक करके, फ्यूज नहीं होते, चिपक करके स्पर्मेटोफोर बनाते हैं, और उस स्पर्मेटोफोर के ऊपर एक कवरिंग बना देता है फेलोमियर, सॉरी फेलिक ग्लैंड, ठीक है। और फेलोमियर्स मिलकर के गोनेपोफाइसिस बनाते हैं। स्यूडोपेनिस और टिटिलेटर ये कॉपुलेशन में मदद करते हैं, और ये जो एनल स्टाइल या कॉडल स्टाइल है ये फीमेल को चिपका के रखने में मदद करता है। तो इस तरह से ये बना हुआ है मेल जेनाइटल ऑर्गन, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम फीमेल के पार्ट को भी देखेंगे। काक्रोच आर डायोसियस एंड बोथ सेक्सेस हैव वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो मैंने अभी बताया यूनिसेक्सुअल है और इनमें डेवलप्ड है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ टेस्टीज, वन लाइंग ऑन ईच साइड इन लेटरल साइड इन द फोर्थ टू सिक्स एब्डोमिनल सेगमेंट। जरा सेगमेंट का रेंज आप ध्यान रखेंगे कि जो टेस्टीज है वो फोर्थ टू सिक्स एब्डोमिनल सेगमेंट लगा हुआ है, ठीक है, फोर्थ टू सिक्स एब्डोमिनल सेगमेंट। फ्रॉम ईच टेस्टीज एराइजेज ए थीन वास डिफरेंस विच ओपन इन टू इजेकुलेटरी डक्ट थ्रू सेमिनल वेसिकल्स। तो मैंने अभी बताया कि वास डिफरेंस पहले सेमिनल वेसिकल में जाता है, वहाँ स्पर्म स्टोर होते हैं, चिपकते हैं, स्पर्मेटोफोर के रूप में इजेकुलेटरी डक्ट के साथ बाहर आते हैं। द इजेकुलेटरी डक्ट ओपन इन टू मेल गोनोपोर सिचुएटेड वेंट्रल टू द एनस। ध्यान रखेंगे कि इनका मेल जेनाइटल पोर एनस के निचले हिस्से में है, वेंट्रल साइड में, निचले हिस्से में है। ए कैरेक्टरिस्टिक मशरूम शेप्ड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द सिक्स टू सेवंथ एब्डोमिनल सेगमेंट विच फंक्शंस एज एन एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, ठीक है। तो मशरूम ग्लैंड वही बना हुआ है, बहुत सारे सेमिनल वेसिकल्स में लगे हुए हैं। द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया आर रिप्रेजेंटेड बाय मेल गोनेपोफाइसिस। ये देखिए, मैंने आपको बताया मेल गोनेपोफाइसिस और फेलोमियर से, देखिए उन्हीं फेलोमियर से मेल गोनेपोफाइसिस बना हुआ है, और ये काइटिनस है, एसिमेट्रिकल है स्ट्रक्चर, ठीक है। ध्यान रखेंगे फेलोमियर काइटिन का बना हुआ, एसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल क्या होते हैं, जब किसी चीज को कहीं से भी दो बराबर भाग में काट सकते हो तो सिमेट्रिकल होता है। एसिमेट्रिकल का मतलब किसी भी तरह से दो बराबर भाग में नहीं काट सकते, वो एसिमेट्रिकल होता है। तो ये जो फेलोमियर्स हैं वो एसिमेट्रिकल हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये फीमेल का है, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा मेल वाला पढ़ लेते हैं। तो फेलोमियर्स सराउंडिंग द मेल गोनेपो पोर। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो गोनेपोफाइसिस हैं वो मेल गोनेपो पोर को कवर करके रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। द स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन द सेमिनल वेसिकल्स एंड आर ग्लूड टूगेदर इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स कॉल्ड स्पर्मेटोफोर्स। अभी मैंने आपको बताया था कि एक सेमिनल वेसिकल के अंदर के सारे स्पर्म आपस में चिपक जाते हैं और उसे स्पर्मेटोफोर्स कहते हैं, विच आर डिस्चार्ज्ड ड्यूरिंग कॉपुलेशन। तो कॉपुलेशन का मतलब सेक्सुअल रिलेशन, उस समय वो स्पर्मेटोफोर उनके अंदर छोड़ दिए जाते हैं फीमेल के अंदर, ठीक है। तो अब थोड़ा फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स के बारे में एक बार देख लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे क्या लिखा है। तो देखिए, ये जो है फीमेल का जेनाइटल ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो ओवरीज हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये जो ओवरी हैं वो इस तरह से लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स के बने होते हैं, आठ आठ स्ट्रक्चर्स यहाँ पर जुड़े होते हैं, जिनको हम कहते हैं ओवेरियोल्स, ओवेरियोल्स का बना हुआ है, ठीक है, ये ओवरी। और इनसे जुड़ा हुआ है ओविडक्ट, जो आपस में जुड़ करके यहाँ पर फीमेल जेनाइटल पोर में खुलते हैं, ठीक है, फीमेल जेनाइटल पोर। तो कॉमन ओविडक्ट और वेजाइना लिखा है, देखिए कॉमन ओविडक्ट यहाँ से जुड़ करके एक वेजाइना जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, और यहाँ पर जुड़ा हुआ है एक स्पर्मेथिका, देखिए स्पर्मेथिका। ये स्पर्मेथिका क्या करता है, जो मेल से मिले हुए स्पर्मेटोफोर्स हैं उनको स्टोर करता है, ठीक है। और ये कोलेट्रल ग्लैंड्स हैं जो
आपके ओवम में इसमें योक वगैरह को और कवरिंग वगैरह को बनाने का काम करते हैं, ठीक है। और ये देखिए फीमेल जेनाइटल चेम्बर है और वेस्टिब्यूलम है। वेस्टिब्यूल का मतलब होता है एक ऐसी कैविटी जो बाहर की ओर खुलती है, दोनों को मिला के जेनाइटल पाउच। तो यहाँ पर भी गोनेपोफाइसी से ध्यान रखेंगे और ये भी फीमेल के जेनाइटल ऑर्गेन को कवर करके रखता है, ठीक है। तो ओवरी है जो ओवेरियोल्स नाम के 8-8 ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर के बने होते हैं। फिर कॉमन ओविडक्ट है जो यहाँ पर खुलता है फीमेल जेनाइटल पाउच में, और यहीं पर इस ये जुड़ा हुआ है आपका स्पर्मेथी का जिससे स्पर्म हम कलेक्ट करते हैं, और ये कोलेट्रल ग्लैंड्स हैं और ये जेनाइटल पाउच है, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। चलिए पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज ओवरीज लाइंग लेटरल इन द 2-6 एब्डोमिनल सेगमेंट्स। देखिए ठीक है, ओवरी जो है 2-6 सेगमेंट में है, जबकि आपने यहाँ पर टेस्टिस को देखा था। एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको कि टेस्टिस जो है 4-6 सेगमेंट है, जबकि ओवरीज 2-6 है, मतलब ओवरी ज़्यादा बड़े हैं टेस्टिस की तुलना में, ठीक है। देखिए थोड़ा से कम में है टेस्टिस और ओवरीज थोड़े ज़्यादा वाले पार्ट में है, ठीक है। तो ओवरीज 2-6 एब्डोमिनल सेगमेंट में है, टेस्टिस 4-6 है। ईच ओवरी इज फॉर्म्ड ऑफ ए ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स और ओवेरियोल्स। अभी मैंने आपको बताया था कि 8 ओवेरियोल्स के बने होते हैं जो इस तरह से लंबे लंबे ऐसे थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, इन्हीं को ओवेरियोल्स कहते हैं। कंटेनिंग ए चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा, तो उसी में जैसे ये चेन है, एक ओवेरियोल है, तो इसी में ऐसे चेन के रूप में ओवम जो है डेवलप करते हैं, ठीक है। ओविडक्ट ऑफ ईच ओवरी यूनाइट इनटू ए सिंगल मीडियन ओविडक्ट आल्सो कॉल्ड विजाइना विच ओपेंस इनटू द जेनाइटल चेंबर। तो मैंने आपको बताया कि दोनों ओविडक्ट जुड़ के जेनाइटल चेंबर में खुलते हैं, जिसको जेनाइटल फीमेल जेनाइटल पाउच भी कहते हैं। ए पेयर ऑफ स्पर्मेथी की इज प्रेजेंट इन द 6 सेगमेंट विच ओपन इनटू द जेनाइटल चेंबर। इसी स्पर्मेथी की में कलेक्ट करते हैं अपन, जेनाइटल चेंबर में खुलता ही है, ठीक है। स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू स्पर्मेटोफोर्स, तो हमने देखा था कि स्पर्मेटोफोर ग्रुप है स्पर्म्स का, चिपक करके बने हुए हैं, वो पहुंच जाते हैं। देयर फर्टिलाइज्ड एग्स आर एनकेस्ड इन कैप्सूल्स कॉल्ड ऊथीका। देखिए जैसे कि स्पर्म्स आपस में जुड़े हुए थे, चिपके हुए थे, वैसे इनके एग भी आपस में चिपक जाते हैं, जिसको ऊथीका कहते हैं। और इसमें जो है करीब 14-16 एग्स एक उथीका में होते हैं, ठीक है। उथीका इज अ डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल अबाउट 3x8 इंचेस यानी 8 mm लॉन्ग। दे आर ड्रॉप्ड और ग्लूड टू ए सुटेबल सरफेस यूजुअली इन क्रैक और सर्विसेज ऑफ हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी नियर एट फूड सोर्स। तो ये अपने अंडे उथीका जो है वो गीले जगहों पे, थोड़े मॉइस्ट हो, डार्क हो, फूड हो, ऐसे जगह पे ये छोड़ देते हैं। ऑन एन एवरेज फीमेल प्रोड्यूसेस 9-10 उथीका ईच कंटेनिंग 14-16 एग्स। मैंने अभी बताया कि एक उथीका में 14-16 एग्स होते हैं, और ये एक बार में करीब 9-10 उथीका यानी करीब 150 अंडे ये एक बार में देती है। द डेवलपमेंट ऑफ पेरीप्लेनेट अमेरिकाना इज पाउरोमेटाबोलस। देखिए इंसेक्ट्स का डेवलपमेंट कई प्रकार से होता है, हेमी मेटाबोलस, पाउरो मेटाबोलस, होलो मेटाबोलस, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, ये पाउरो मेटाबोलस है। पाउरो मेटाबोलस में क्या होता है कि इनका जो बच्चा निकलता है अंडे से वो छोटे साइज का होता है, लेकिन बिल्कुल काकरोच जैसा होता है। जैसे ह्यूमन का बच्चा बिल्कुल ह्यूमन जैसा दिखता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ बड़ा हो जाता है बस, है ना, वैसे छोटा काकरोच निकलता है, उसे हम कहते हैं निम्फ, ठीक है, निम्फ। तो ऐसे में हम इसे कहते हैं पाउरोमेटाबोलस। जबकि बाकी जो इंसेक्ट हैं उनमें कुछ में लार्वा निकलता है, फिर लार्वा से प्यूपा बनता है, प्यूपा से एडल्ट बनता है, सबका स्ट्रक्चर अलग अलग रहता है। होलोमेटाबोलस, हेमीमेटाबोलस, कोई अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा काकरोच निकलता है और वो बड़ा हो जाता है। और लेकिन एक और चीज़ है इसमें, उसे हम कहते हैं मॉल्टिंग। मॉल्टिंग क्या चीज़ होता है कि जब छोटा काकरोच निम्फ जो है बड़े काकरोच में बदलता है, तो बीच बीच में वो मॉल्टिंग करता है। मॉल्टिंग का मतलब होता है अपना जो क्यूटिकल का कवर होता है उसको छोड़ देता है, क्योंकि साइज जब बड़ा होता है तो क्यूटिकल फट के निकल जाता है, है ना, और नया क्यूटिकल बन जाता है।
तो ऐसा उनके लाइफ में 13 टाइम्स होता है बड़े होते तक, तो उसे हम कहते हैं 13 मॉल्टिंग्स, ठीक है। तो पौरा मेटाबॉलस मीनिंग देयर इज अ डेवलपमेंट थ्रू निम्फल स्टेज, और निम्फ जो है बिल्कुल एडल्ट जैसा होता है। द निम्फ्स लुक वेरी मच लाइक लाइक एडल्ट, ठीक है। द निम्फ ग्रोज बाय मॉल्टिंग अबाउट 13 टाइम्स, ये देखिए 13 बार मॉल्टिंग करता है टू रीच द एडल्ट फॉर्म, है ना, मॉल्टिंग में क्यूटिकल को छोड़ते हैं ये। द नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज हैज विंग्स विंग्ड पैड्स बट ओनली एडल्ट कॉकरोचेस हैव विंग्स। तो ध्यान रखेंगे आखिरी निम्फ स्टेज में भी विंग्स डेवलप नहीं हो पाए रहते हैं, सिर्फ उसके पैड्स बने होते हैं निम्फल पैड्स, और आखिरी में एडल्ट में ही विंग्स डेवलप हो पाते हैं, ठीक है। मैनी स्पीसीज ऑफ कॉकरोचेस आर वाइल्ड एंड आर ऑफ नो नोन इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस येट। देखिए काकरोच जो है हमारे लिए किसी भी प्रकार का लाभदायी है ऐसा नहीं है, ठीक है। ये अलग बात है कि कुछ देशों में जैसे चीन वगैरह हैं उनमें काकरोच को खाया जाता है, ठीक है। चीन में तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े काकरोच बिच्छू कुत्ते सब खाए जाते हैं वहाँ के लोगों के द्वारा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, उनका अपना फूड हैबिट है, उसी से कोरोना वायरस फैल रहा है आपको पता होगा, तो वो तो खा सकते हैं, उनके लिए इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है। लेकिन बाकी किसी चीज़ में ये पॉलिनेशन करते हों या किसी और चीज़ में मदद करते हों ऐसा काकरोच के साथ नहीं है। ए फ्यू स्पीसीज थ्राइव इन एंड अराउंड ह्यूमन हैबिटेट, तो इनके कुछ स्पीसीज जो है हमारे आसपास रहते हैं। दे आर पेस्ट्स बिकॉज दे स्पॉइल फूड एंड कॉन्टामिनेट विथ इट विथ स्मेली स्क्रीटा। तो मेन चीज़ ये है कि ये चूंकि गंदे जगहों पर रहते हैं, इनके शरीर में बैक्टीरिया चिपके होते हैं, है ना, तो जब ये हमारे खाने पीने की चीज़ों के कांटेक्ट में आते हैं तो ये उनमें छोड़ देते हैं उनको, तो वो कॉन्टामिनेट हो जाता है और अपना स्क्रीटा मतलब अपना फीकस अपना मल पदार्थ भी उसमें छोड़ देते हैं, तो खाने पीने की चीज़ें बर्बाद हो जाते हैं। दे कैन ट्रांसमिट ए वेराइटी ऑफ बैक्टीरियल डिजीज बाय कॉन्टामिनेटिंग फूड मटेरियल्स, तो ये बहुत सारे प्रकार के बीमारियों को ये फैला सकते हैं। तो काकरोच एनी हाउ हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल एनिमल है, कभी भी ये बेनिफिशियल नहीं हो सकता है। अगर आप काकरोच खाते हैं तो अलग बात है, नहीं तो फिर ये कोई बेनिफिशियल नहीं है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम अभी इस वीडियो में काकरोच को कंप्लीट कर दिए हैं, तो हम फ्रॉग को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे, जिससे आपको अलग अलग वीडियो में अलग अलग चीज़ें मिल जाएँ, है ना। तो ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और फ्रेंड, अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले, है ना, इससे मेरा चैनल भी थोड़ा सा ग्रो करेगा आप लोगों के हेल्प से, और मैं थोड़ा बेहतर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जरूर कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लग रहा है ना, लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें प्लीज़, है ना। तो ठीक है, थैंक यू, फिर से मिलते हैं, बाय।